वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति परंपराएं सगुण और निर्गुण, जो कि आपका पेपर है इंडियन भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक परंपराएं यानी कि रिलीजियस ट्रेडिशंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें आपका पेपर है। इसमें हम दो वीडियोस पहले देख चुके हैं बेटा, तीसरा मैं आपके लिए बना रही हूँ जिसमें मैं आपके लिए ले रही हूँ भक्ति आंदोलन में महिलाएं। तो महिला कवि संतों ने मुख्य रूप से पुरुष प्रधान वातावरण में चुनौतियों पर काबू पाते हुए भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका, पुरुष प्रधान समाज था, यहाँ पर महिलाएं जो थी उनके लिए चुनौतियां कुछ ज्यादा थी। जैसे कि आप मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं तो इन सभी के सामने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा चुनौतियां थी। इनमें से कई महिलाओं ने पारंपरिक सामाजिक मानदंडों और भूमिकाओं को खारिज कर दिया, या तो ये भटकती हुई भक्त बनने के लिए अपना घर छोड़ आई थी, या फिर घरेलू कर्तव्य को पूरा करते हुए भक्ति आंदोलन में पूरी तरह से सक्रिय थी। इनमें से कुछ उल्लेखनीय महिला भक्तों की बात हम करेंगे, जैसे अक्क महादेवी। तो 21वीं सदी की एक भक्ति संत थी जो कि कर्नाटक में उत्पन्न हुई थी, कर्नाटक में पैदा हुई थी। ये अपने युग के प्रसिद्ध दार्शनिकों से अक्का की उपाधि इन्होंने अर्जित की, जिसका मतलब होता है बड़ी बहन। तो शिव के प्रति इनकी बहुत अटूट भक्ति थी, इनको जनाबाई भी कहते थे। 13वीं शताब्दी के आसपास सूर्य जाति में इनका जन्म हुआ था और प्रतिष्ठित भक्ति संत नामदेव के घर में इन्होंने काफी सेवा की। इन्होंने 300 से भी ज्यादा कविताओं की रचना की, जो कि मुख्य रूप से इनके जीवन, दैनिक कार्यों और एक निम्न जाति की महिला के रूप में सामना करने की जो सामने आने वाली चुनौतियां थी उन पर केंद्रित थी। अग्नि थी मीराबाई, ये भारत में 16वीं शताब्दी के महान संतों में से एक मानी जाती है। मेवाड़ के राज रतन सिंह की एकमात्र संतान थी, इकलौती बेटी थी। उच्च वर्गीय शासक राजपूत परिवार से थी ये। 1516 में मेवाड़ के राणा सांगा के बेटे भोजराज से इनका विवाह हुआ, लेकिन इन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए अपने पति और परिवार को छोड़ने का फैसला कर लिया था। बाद में इनके पति की मृत्यु भी हो गई। अपनी कविताओं में भगवान कृष्ण के साथ एक विशिष्ट चित्र को ये चित्रित किया करती थी। बहिनाबाई महाराष्ट्र की रहने वाली 17वीं शताब्दी की एक संत कवि थी। महिलाओं के दैनिक जीवन, विशेषकर महिलाओं से जुड़े क्षेत्र थे, उनकी भूमिकाओं को दर्शाते हुए विभिन्न इन्होंने अभंग लिखे थे। बेटा अभंग महाराष्ट्र में दोहे को कहा जाता है बेटा, मराठी भाषा में हमने पहले भी पढ़ा था। अगले जो भक्त संत हैं वो हैं अंडाल। ये अकेली अलवार संत थी, अलवार है बेटा, जगह जगह अलवार हो गया, ये अलवार संत थी एकमात्र जो कि भक्त संत हुआ करती। ये खुद को विष्णु की प्रेमिका मानती थी। अलवार जो कहते हैं विष्णु के भक्त को कहते हैं, और देवता के प्रति अपने गहरे भक्ति प्रेम को व्यक्त किया करती थी। अगले थे कराईकल अम्यार। श्रद्धेय 63 नयनारों में 3 महिला नयनारों में से एक थी, यानी कि अकेली अलवार थी, अंडाल, और 3 जो नयनार हुए उनमें से एक थी कराईकल अम्यार। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिव के प्रति समर्पित होकर के तपस्वी जीवन शैली को इन्होंने अपनाया। भक्ति आंदोलन मध्यकाल के दौरान एक धार्मिक सुधार पहल में ईश्वर के प्रति गहन एक देशभक्ति को इन्होंने रेखांकित किया था। तो भक्ति आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा समाज पर? भक्ति आंदोलन ने समाज पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो रोल रहा। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मजबूत संबंधों को इन्होंने बढ़ावा दिया। जाति व्यवस्था की कठोरता को इन्होंने कम किया और उत्पीड़ितों के बीच आत्मसम्मान की भावना पैदा की। मतलब जो लोग पीड़ित समाज था अब तक, उसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप हुआ। सुधारकों ने अपनी शिक्षाओं को स्थानीय भाषाओं में प्रसारित किया। जो सुधारक थे, समाज सुधारक थे, तो भक्त कवि थे, संत कवि थे, उन्होंने जो लोकल भाषाएं थी उनमें अपने संदेश दिए, जिससे स्थानीय भाषा साहित्य के विकास को भी काफी समृद्धि मिली। इसके अलावा इस आंदोलन ने उर्दू के विकास में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि एक ऐसी भाषा थी जिसमें कि फारसी और हिंदी को मिश्रित किया गया था। पुजारियों के अधिकार को चुनौती देकर के, बहुदेववाद की ज्यादतियों को कम करके और सहिष्णुता को बढ़ावा देकर भक्ति आंदोलन ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन को कम किया और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ा देने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसमें दान और भक्ति पर केंद्रित सदाचारी जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया गया था और मध्ययुगीन समाज के नैतिक और आध्यात्मिक मानकों को ऊपर उठाया गया था। तो भक्ति आंदोलन ने सहिष्णुता और एकता की भावना की वकालत करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। क्या क्या प्रभाव रहे उनको हम काउंट कर सकते हैं। पहला रहा सामाजिक प्रभाव। तो भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और सामाजिक पदानुक्रम पर एक महत्वपूर्ण प्रहार किया। कई संतों ने विभिन्न जातियों से शिष्य बनाए, जाति व्यवस्था की आलोचना की, ब्राह्मण और शूद्रों की समानता की वकालत की। हालांकि इस आंदोलन ने जाति के बंधनों को ढीला किया, लेकिन इस समाज की बुराई को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। संत कवियों ने सती जैसी प्रथाओं का विरोध किया, महिलाओं की स्वतंत्र और उन्नत स्थिति की वकालत की। उन्होंने समाज सेवा को भी प्रोत्साहित किया और लोगों के गरीब और अनाथों की सेवा करने का आग्रह किया। दूसरा धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा?
भक्ति आंदोलन का धार्मिक प्रभाव धर्म पर काफी गहरा प्रभाव, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों में समान रूप से कर्म कांड और अंधविश्वास के विरोध को बढ़ावा मिला। हिंदुओं के बीच मूर्ति पूजा में गिरावट आई और आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। इसी बीच इसमें सिख धर्म को भी जन्म मिला, जिसके पहले गुरु गुरु नानक देव और पहला जो गुरु जो ग्रंथ था वो था गुरु ग्रंथ साहिब था। इस आंदोलन ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, हिंदू और मुसलमानों के बीच दुश्मनी को कम किया और पुजारियों और ब्राह्मणों के अधिकार को चुनौती दी थी। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा? भक्ति आंदोलन ने आम भाषा को लोकप्रिय बनाया, क्योंकि तो संत कवियों ने जितने भी संदेश दिए थे क्षेत्रीय भाषाओं में दिए थे, तो संत कवियों के जितने भी स्मारक थे उनके निर्माण के माध्यम से कला प्रभावित हुई और ये रचनाएं भारतीय साहित्य का अभिन्न अंग बन गई। इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? कि जो भक्ति आंदोलन थे इनकी वजह से अकबर और जहांगीर जैसे जो मुगल सम्राट थे उन्होंने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई, राज्य के धर्म और राजनीति के अलगाव को पहचानते हुए धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाया। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा इसका? भक्ति आंदोलन ने मौजूदा आर्थिक संरचना की आलोचना करते हुए कड़ी मेहनत के माध्यम से अर्जित आजीविका की वकालत करके आर्थिक असमानता को संबोधित किया। इनका कहना था कबीर जैसे संत कवियों ने आर्थिक असमानता से उत्पन्न संघर्षों पर प्रकाश डाला था। तो सारांश यही है कि भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण सामाजिक निहितार्थ, विशेष रूप से जाति और पंथ भेदों से परे जाने के अपने प्रयासों में महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में ज्ञानेश्वर, एकानाथ तुकाराम और अन्य संतों ने सामाजिक अन्याय को संबोधित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भक्ति आंदोलन का एक उल्लेखनीय परिणाम भारत में सुधार के एक रूप को शुरू करने में इसकी भूमिका थी, जिसने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच प्रचलित दृष्टिकोण को चुनौती दी। इस आंदोलन ने अन्य धर्मों के प्रति सम्मान की भावना पैदा की, इससे एक अधिक समावेशी और सहिष्णु समाज को, एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी को एक तरीके से यहाँ पर जो है प्रमोट किया गया था। इसने धर्म का पालन करने और मोक्ष प्राप्त करने के राज्य जो मार्ग था उसके बारे में बताया, जिससे कि हाशिए पर रहने वाले समुदाय जो थे वो भी कनेक्ट हो गए, वो भी जुड़ गए धर्म के साथ में। ऐसा करने से जो विभिन्न धार्मिक प्रथाएं थी जिनसे कि विभाजन होता था, विनाशकारी ताकतें जो थी जो समाज में जो अलगाव बढ़ा रही थी वो सब कमजोर हुई। मानसिकता में एक बदलाव आया, धर्मों के लिए लोगों की जो आध्यात्मिक चेतना थी उसमें बदलाव आया। अगर संक्षेप में कहा जाए तो भक्ति आंदोलन ने अधिक समावेशी, सहिष्णु और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध समाज को बढ़ावा देने, कठोर सामाजिक पदानुक्रमों से प्रस्थान और धार्मिक विविधता पर व्यापक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाई थी। ये था बेटा आपकी इसका पाठ का आखिरी हिस्सा जो कि मैंने आपके लिए अभी किया। तो पूरा का पूरा आपका ये जो थर्ड यूनिट का पहला चैप्टर जो छूट गया था यहाँ पर ये कम्प्लीट हो गया है। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें पूरा का पूरा मैं एक बार आपके लिए समराइज कर देती हूँ, क्योंकि तीन वीडियोज में हुआ है पूरा का पूरा लेसन, तो इसका आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। देख लेते हैं शुरू से, हम लोग काफी लंबा एक तरह से पार्ट था ये, शुरू से देख लेते हैं हमने इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा। पाठ था ये भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक परंपराएं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 का भक्ति परंपराएं सगुण और निर्गुण, जो कि आपकी इकाई 2 का पहला पाठ था। इसमें हमने पहले जाना कि भक्त किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति का जन्म कहाँ से हुआ, फिर भक्ति आंदोलन किसे कहते हैं, आंदोलन के बारे में जाना, उसके बाद कौन कौन से हमने सगुण और निर्गुण के बारे में जाना, उनके ट्रेड्स के बारे में जाना, फिर भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत क्या थे उनके बारे में जाना, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ कहाँ से कब हुई कैसे हुई उसके बारे में जाना हमने, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर क्या है उनके बारे में जाना, उसके बाद इसके प्रभाव क्या पड़े समाज पर उनके बारे में जाना, भक्ति आंदोलन की जो विशेषताएं थी उनके बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद कहाँ कहाँ देश के कौन कौन से हिस्सों में किस तरीके से लोकप्रिय भक्ति आंदोलन चले उनके बारे में हमने पढ़ा, कुछ प्रमुख धार्मिक आंदोलन शुरू करने वाले कुछ पंथ जो है शुरू करने वाले जो संत थे उनके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि हमारी जो महिला संत थी उनकी क्या भूमिका रही, कुछ महिला संतों के बारे में जाना, उसके बाद समाज पर इस भक्ति आंदोलन का क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हमने जाना। तो ये टोटल आपका भक्ति आंदोलन का पूरा पाठ इस तरीके से ये खत्म हो गया बेटे। तो कहीं किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं इसका बेटा वीडियो बनाया था लेकिन मैं उसको अपलोड करना भूल गई थी और उसको मैंने डिलीट भी कर दिया था, इसलिए इसको मुझे दोबारा बनाना पड़ा है। तो जिन बच्चों ने मुझे बताया कि ये बीच में मिस हो गया है उन बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स और शुभकामनाएं आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बेटे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और आपको आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा।